मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। वहीं सरकार ने भोपाल में प्रस्तावित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में जाकर निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी क्रम में 13 जुलाई को मुंबई में एक इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने बताया है कि मध्य प्रदेश में भी सेक्टर में निवेश के अनुकूल माहौल है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण के सुदृढ़ीकरण का सतत प्रयास किया जा रहा है। जीआईएस 2025 समिट का उद्देश्य भी निवेशकों को राज्य की क्षमताओं, प्रचुर संसाधनों एवं अनुकूल औद्योगिक वातावरण से अवगत कर मध्य प्रदेश निवेश के लिए आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना एवं देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। बता दें कि सीएम ने मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों से इन्वेस्टिव सेशन में संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों के साथ परिचर्चा भी की है। सीएम मोहन यादव ने सत्र को संबोधित किया और उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग एवं 1-to-1 चर्चा की। प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जिस प्रकार से उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है, यही कारण है कि सभी सेक्टर में, चाहे एनर्जी हो, इरिगेशन हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, सब सेक्टर में समान रूप से बड़ी संभावना भी है। और यही कारण है कि हमने अपने बजट में भी इस बात की गुंजाइश दी और आने वाले समय में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं और क्षेत्र क्षेत्र के अलग अलग सम्मिट भी करने जा रहे हैं। लेकिन आज मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा।